ये सहरसा का कारू खिरहर स्टेडियम, उसमें इंडोर बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस, कैरम, बिलियर्ड्स की व्यवस्थाएं। इसके अंदर में बच्चे रोज अभ्यास को आते हैं निःशुल्क। और उसके जस्ट सामने में कोसी स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि क्रिकेट की एक सबसे अच्छी संस्था है, जहां निःशुल्क बच्चों को अभ्यास कराया जाता, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। पुराने क्रिकेटर यहां पर इस चीज को देखते हैं। देखिए, मैं आपके सामने में दिखा रहा हूं दिनेश कुमार सिंह पिंटू, जिनका क्षेत्र कार्य क्षेत्र खेल के क्षेत्र में रहा है 1990 से 2002 के बीच। लगभग 12 वर्षों तक इन्होंने सहरसा जिला। देखिए, सामने से आ रहे हैं हमारे विश्वनाथ कुमार, ये भी उन्हीं के समय के 90 से लेकर के 2002 तक, लगभग 12 वर्षों तक सहरसा क्रिकेट में अपना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैदान के बीचों बीच आप देख सकते हैं सहरसा के लेजेंड क्रिकेटर कुंदन सिंह बच्चों को अपने गुर सिखा रहे हैं बॉलिंग का। और देखिए, एक बहुत खूबसूरत नज़ारा, बच्चे नेट्स में अभ्यास कर रहे हैं क्रमबद्ध, जो बड़े बड़े जगहों पर बच्चे अभ्यास करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पिच बनाया गया है क्रिकेटरों के लिए, जिनका नॉकिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहता है, उस बच्चों को यहाँ पर उसके लिए उनका पैड फुटवर्क, और दो दो प्रशिक्षक देखिए यहाँ पर खड़े हैं, दिनेश कुमार सिंह पिंटू और विश्वनाथ कुमार, इसे थोड़ी सी वो टिप्स देते हैं कि आपका फुटवर्क कैसे ठीक होगा। उसके लिए एक अलग पिच बनाई गई, पीछे से पूरी तरह घेरा जा चुका है, दो दो नेट्स यहाँ पर चल रहे हैं जिसमें बच्चे अभ्यास करें। एक छोटा सा पिच टर्फ विकेट बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है, जिसमें बच्चों को अंडर 12 के बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा और मैच का आयोजन किया जा सके। ये नौनिहाल बच्चे यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नेट्स में बच्चे क्रमबद्ध अपने अपने पारी का इंतजार करते हैं। ये चारों तरफ का नजारा मैं आपको फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कैचिंग की प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की। ये देखिए लेजेंड क्रिकेटर, जिनका कि मैंने पहले ही चर्चा किया, कुंदन सिंह बच्चों के बीच। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं, उसमें बच्चों को थ्रो कर कीपिंग की प्रैक्टिस, ताकि गेंद एक छोटा सा रोलर उस पे सामने, आफ्ताब बहुत अच्छे सहरसा के बैट्समैन माने जाते हैं। देखिए, जस्ट क्रिकेट के बगल में यहाँ कबड्डियों का प्रशिक्षण चल रहा है। मैं सामने सामने देख रहे हैं कि बालिकाएं, जो गर्ल्स यहाँ पर कबड्डी का अभ्यास कर रही है। और देखिए सामने सामने हमारे बीच यहाँ इसको प्रशिक्षण दे रहे हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षक शशि यादव जी। और देखिए ये पीछे से प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे शारीरिक शिक्षा शिक्षक हरेंद्र नारायण सिंह मेजर साहब। काफी विहंगम दृश्य रहता है सहरसा के इस स्टेडियम के बाहरी परिसर में। इसके अंदर में एक बहुत अच्छा जिम का निर्माण हो चुका है। ये देखिए स्टेडियम का बाहरी परिसर, वॉलीबॉल मैदान, यहाँ पर वॉलीबॉल के हमारे बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रत्येक दिन निःशुल्क। ये है हमारे जाने माने सहरसा के अपने जमाने के वॉलीबॉल के प्लेयर रह चुके राणा रंजन सिंह। देखिए काफी तकनीकी रूप से जो सुविधाएं हैं उसके अंदर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और साथ में ये हमारे रेड टी शर्ट में, ब्लैक में, वॉलीबॉल एसोसिएशन के हमारे सचिव अमन सिंह जी, यहाँ पर अमित कुमार उर्फ बाबा, और यहाँ देखिए धर्मेंद्र नारायण सिंह ने बच्चियों को प्रशिक्षण काफी, जिस बच्चे को डीएम सिंह नैन जी प्रशिक्षण दे रहे हैं, इस बच्ची ने इस बार बिहार का प्रतिनिधित्व किया है वॉलीबॉल में, नेशनल प्लेयर के रूप में जानी जाती है। काफी अच्छा इनका प्रदर्शन है अपने खेलों में, काफी जबरदस्त। डीएन सिंह नैन अपने बच्चियों को, हाय सर, देखिए काफी जबरदस्त यहाँ पर प्रशिक्षण का अपना टेक्निक, जितनी सुविधाएं हैं उसमें काफी सारे प्लेयरों को एक साथ सुसज्जित कर प्रयास किया जा रहा है। एक छोटा सा स्पोर्ट्स कैंटीन, ये स्टेडियम का बाहरी परिसर, यहाँ पे एक ये जो खाली जगह है यहाँ पर एक खेल भवन बनने की संभावना है, और यही स्टेडियम का बाहरी नजारा है। जो दृश्य आपको दिख रहा है ये सहरसा स्टेडियम सहरसा के बाहरी परिसर का है, जहां पर एक इंडोर स्टेडियम और एक आउटडोर स्टेडियम है। और ये कोसी स्पोर्ट्स एकेडमी सहरसा के तत्वाधान में ये सारी खेल सुविधाएं यहां पर निशुल्क बच्चों को दी जाती है।
आपसी सहयोग से किसी प्रकार का बिहार सरकार या केंद्र सरकार का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है। ये यहाँ के पूर्व खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों के द्वारा इस तरह की व्यवस्था और इस तरह का माहौल बनाया गया है। ये देखिए लगातार बच्चों का प्रशिक्षण स्कूली खेल के लिए, मैंने पहले भी आपको दिखाया था, बच्चे अभी अंदर में अभ्यास कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे शारीरिक शिक्षा शिक्षक हैं हरेंद्र नारायण सिंह मेजर साहब। कैसे हैं मेजर साहब? चलिए मेजर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, काफी मेहनत कर रहे हैं मेजर साहब यहाँ पर बच्चों के बीच। ये स्टेडियम का अंदर का परिसर है, यहाँ हमारे बीच कबड्डी के बालक वर्ग के बच्चे जो भी हैं वो वार्म अप को तैयार हो रहे हैं। कल कुछ प्रोग्राम हुआ था इसलिए स्टेडियम थोड़ा सा गंदा है, आज रविवार को नगर पालिका बंद रहने के कारण। देखिए ये थोड़े से हमारे कबड्डी के बच्चे हैं जो वार्म अप हो रहे हैं स्टेडियम के बीचों बीच, और ये फिर बाहर में जाकर जो बाहरी में अभ्यास मैदान है उसमें अभ्यास करेंगे। ये इधर से तीन बच्चे वार्म अप कर रहे हैं, 10-10 चक्कर लगाना होता है कबड्डी के सभी प्लेयरों को प्रत्येक दिन।